नमस्कार दोस्तों, सरजी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो देखिए, डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की तरफ से जाए, यहाँ पे आपकी वैकेंसी निकाली गई है। इसमें देखिए बहुत सारे ब्रांचेस के लिए आपकी निकाली गई है, इंजीनियर्स के लिए और साथ में आपका बाकी जो और भी जिन्होंने आईटीआई किया हो, तो सभी के लिए निकाली गई है। तो आप लोग देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑफिशियल वेबसाइट पे आने के बाद, तो इस नोटिफिकेशन में आपको पूरा कंप्लीट डिटेल्स आपको मिल जाएंगे। बट बिफोर वी बिगिन, तो हमने देखिए जो है इन सभी एग्जामिनेशन के लिए एक कंप्लीट कोर्स हमने लॉन्च किया हुआ है। आपका जो भी एग्जामिनेशन आपके होने वाला है, HPCL का, DSSSB का, HAL का, RSAB का, तो इसमें जो आपके इंग्लिश और जीके जो पूछे जाएंगे, तो इसका हमने एक पूरा कंप्लीट कोर्स लॉन्च किया हुआ है, जिसमें कि आपको टॉपिक वाइज लेक्चर्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे और साथ में आपको इसमें PDF भी प्रोवाइड किया जाएगा, इंग्लिश और जीके दोनों का। और इसके साथ में देखिए आपको टेस्ट सीरीज भी हम प्रोवाइड करेंगे, जो कि आपका ये रहेगा टॉपिक वाइज और साथ में ओवरऑल सब्जेक्ट वाइज भी रहेगा आपका, इंग्लिश और जीके दोनों का। तो इस तरीके से देखिए आपका ये काफ़ी अच्छे से तैयार आपके हो जाएंगे। और कोर्स हमने देखिए जो है ओनली 199 रुपीज़ में ये रखा हुआ है, बहुत ही मिनिमम फी हमने रखा हुआ है, जो कि आपको हमारे ऐप पर मिल जाएगा। ये अवेलेबल है आपका, ऐप आप लोग डाउनलोड कर लेना सरजी क्लासेस के नाम से, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम आपको इसका प्रोवाइड कर देंगे। और ये जितने भी एग्जामिनेशन अभी आपके होने वाले हैं, जिसमें HPCL आपका ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें इंग्लिश आपका आएगा और जीके जो आपका HPCL है, इसको छोड़ के बाकी सभी में आपके पूछे जाएंगे। तो आपको जो है अच्छे से तैयारी करनी है, क्योंकि ये दो पोर्शन है तो थोड़ा सा वास्ट रहता है, तो आपको जो है यहाँ पे अब स्मार्ट तरीके से स्टडी करना है। और अभी टाइम है तो आप लोग जो है परचेज करके आराम से स्टडी करते रहिए, हम आपको पूरा कंप्लीट इंग्लिश और जीके करा देंगे। तो देखिए दोस्तों, जब आप लोग इस PDF को ओपन कीजिएगा, तो इसमें जो है आपको पूरा कंप्लीट डिटेल्स आपको मिल जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले आपका जो है ये ऑनलाइन एप्लीकेशन जो आपका स्टार्ट होगा आपका, ये तो देखिए दिया हुआ है आपका 24/4/2021, यानी कि आपका कल 24 अप्रैल से स्टार्ट आपका होगा। और लास्ट डेट है इसका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने का, तो वो है आपका 23/5/2021। तो ये टाइम आप लोग ध्यान रखना है यहाँ पे। और इसमें देखिए इन्होंने जो है टेस्ट का भी दे दिया है यहाँ पे टेंटेटिव डेट आपका, जो कि आपका ये जून 2021 में आपका ये ऑर्गेनाइज किए जाएंगे। तो ये टेंटेटिव डेट है, मे बी ये आगे बढ़ भी सकते हैं, बट आप लोग यही मान के चलिए। तो ये आपका डेट दिया हुआ है। और आपको देखिए अप्लाई करने के लिए आप लोग जो है ऑफिशियल वेबसाइट पे कर सकते हैं, नहीं तो अगर आप लोग इस PDF को डाउनलोड करते हैं, तो यहाँ से भी आप लोग डायरेक्ट यहाँ पे क्लिक किया जो आपका दिया हुआ, तो आप लोग यहीं से भी कर सकते हैं। तो इसमें देखिए जो पोस्ट आपका है इसमें, और जो एसेंशियल जो क्वालिफिकेशन है जो इसमें आपका मांगा गया हुआ है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए हम यहाँ पे देखते हैं जूनियर मैनेजर का, देखिए तो इसमें देखिए जो आपका है यहाँ पे पोस्ट जूनियर मैनेजर सिविल वालों का, तो इसमें देखिए टोटल जो वैकेंसी आपका है तो 31 इसकी वैकेंसी है। और आप यहाँ पे देख सकते हैं जो आप दिया हुआ है कैटेगरी वाइज भी, तो इसके लिए देखिए जो क्वालिफिकेशन मांगा गया हुआ है, तो ये आप लोग ध्यान से देखना, एजुकेशन क्वालिफिकेशन ये है आपका बैचलर डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट, जिसमें कि आपको 60% मार्क्स आपका एग्रीगेट होना चाहिए। तो ये है आपका, और साथ में मेडिकल स्टैंडर्ड A3 का आपका होना चाहिए। और इसके बाद देखिए ये जूनियर मैनेजर सिविल का है। अब नीचे देखिए यहाँ पे आपका है जूनियर मैनेजर ऑपरेशन एंड BD का है, जिसमें टोटल 77 वैकेंसी आपकी है। तो इसमें देखिए क्वालिफिकेशन यहाँ पे दिया हुआ है कि जैसे 2 ईयर का MBA PGDMA आपका होना चाहिए इन मार्केटिंग बिजनेस, तो ये सर आप लोग देख लेना, जो भी आपके रिक्वायरमेंट होंगे एजुकेशन क्वालिफिकेशन से, तो आप लोग इसे अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें जो मेडिकल स्टैंडर्ड आपका है तो वो है A2 कैटेगरी का है। फिर इसके बाद देखिए दूसरा आपका इसमें जूनियर मैनेजर मैकेनिकल वालों का, तो इनके लिए देखिए यहाँ पे केवल 3 वैकेंसी है जूनियर मैनेजर का। और एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आपका बैचलर डिग्री इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, और इसके साथ में देखिए मैकेनिकल तो दिया ही आपका इसमें, और साथ में अगर आपके पास इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, या फिर मेगाट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, या फिर ये सारे कॉम्बिनेशन में कोई भी है, तो आप लोग इसमें भी अप्लाई कर सकते हैं। इसमें देखिए सभी दिया हुआ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, जिसमें कि 60% मार्क्स आपका एग्रीगेट होना चाहिए, और मेडिकल स्टैंडर्ड A3 का यहाँ पे दिया हुआ है। फिर इसके बाद देखिए जो अगला पोस्ट आपका है इसमें, तो वो है एग्जीक्यूटिव का है। तो इसमें देखिए जो पहला आपका यहाँ पे एग्जीक्यूटिव सिविल वालों का, जो सिविल इंजीनियर है तो उनके लिए टोटल यहाँ पे 73 वैकेंसी है। और इसमें देखिए जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन मांगी गई है, तो ये है आपका दैट इज डिप्लोमा। डिप्लोमा इसमें मांगा गया हुआ है 3 ईयर्स का डिप्लोमा आपका होना चाहिए इन सिविल इंजीनियरिंग। सिविल इसके अलावा और भी दिया हुआ है इसमें, आप देख सकते हैं यहाँ पे कॉम्बिनेशन में, जिसमें कि आपका 60% मार्क्स एग्रीगेट में आपकी होनी चाहिए, और मेडिकल स्टैंडर्ड A3 है आपका यहाँ पे। तो ये देखिए जो आपका एग्जीक्यूटिव वाला है जो 73 है, तो ये डिप्लोमा कैंडिडेट के लिए है। और उसके बाद देखिए यहाँ पे अगला आपका है दैट इज एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल का, तो इसमें देखिए टोटल यहाँ पे आपका 42 वैकेंसी है इनकी। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करते हैं, तो इसमें डिप्लोमा आपका है 3 ईयर्स का,
इलेक्ट्रिकल, और साथ में आपका इलेक्ट्रॉनिक्स, पावर सप्लाई, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल, इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंटेशन, या फिर और भी जो यहाँ पे दिया हुआ है, तो कोई भी कॉम्बिनेशन में आपका है तो आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। 60% मार्क्स इसमें भी आपका जरूरी है, और मेडिकल स्टैंडर्ड A3 का है। फिर इसके बाद देखिए यहाँ पे आपका अगला है एग्जीक्यूटिव सिग्नल एंड टेली कम्युनिकेशन का, तो इसमें भी देखिए 87 टोटल वैकेंसी है। और यहाँ पे देखिए जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है तो वो है आपका डिप्लोमा, 3 ईयर्स का आपका होना चाहिए, जो कि आपका दिया हुआ जैसे इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स है, आपको यहाँ पे इलेक्ट्रिकल भी कर सकते हैं इसको। इसके अलावा और भी है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेली कम्युनिकेशन है आपका, यहाँ पे कॉम्बिनेशन में कोई भी हो इन सारे में से तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं इसको। 60% मार्क्स सही है और A3 स्टैंडर्ड इसका भी है। फिर इसके बाद देखिए ये अगला आपका इसमें है जो कि आपका एग्जीक्यूटिव ऑपरेशन एंड BED का है, तो इसमें 237 टोटल वैकेंसी है। और एजुकेशन क्वालिफिकेशन देखिए इसमें जो माया गया है ना, तो इसमें आपका है ओनली ग्रेजुएशन विथ नॉट लेस देन 60% मार्क्स इन एग्रीगेट फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट। तो इसमें देखिए आपका कोई भी ब्रांच हो, आप सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, कोई भी हो, ग्रेजुएशन वो आपका इक्विवेलेंट माना जाएगा। और बाकी जो भी कुछ भी करते हैं, आर्ट्स कॉमर्स हो गया, तो वो सब भी इसको अप्लाई कर सकते हैं, जो कि 237 वैकेंसी है, ओनली ग्रेजुएशन इसमें माया गया हुआ है, जिसमें कि 60% एग्रीगेट मार्क्स आपका होना चाहिए, और मेडिकल स्टैंडर्ड इसका आपका A2 है। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे आपका एग्जीक्यूटिव मैकेनिकल वालों का है, तो इसमें 3 वैकेंसी है ओनली, और जिसमें कि आपका डिप्लोमा माया गया है, 3 ईयर्स का आपका होना चाहिए। तो ये सारा कुछ आप दिया हुआ आप लोग देख सकते हैं। और इसके बाद देखिए दूसरा आपका इसमें है जूनियर एग्जीक्यूटिव, जो कि आपका है इसमें इलेक्ट्रिकल वालों का है, तो ये जो है आपका अलग वैकेंसी आपका है, जैसे जूनियर एग्जीक्यूटिव का आपका है, तो इसमें देखिए इलेक्ट्रिकल का 135 है टोटल यहाँ पे, और एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो मांगी गई है इसमें, तो वो है आपका दैट इज मैट्रिकुलेशन विथ मिनिमम 60% मार्क्स एग्रीगेट होना चाहिए, प्लस मिनिमम 2 ईयर ड्यूरेशन का आपका कोर्स कंप्लीट होना चाहिए, जैसे ITI का या फिर जो भी अप्रूव्ड हो इनमें जो हो आपका, और ट्रेड आपका इलेक्ट्रिशियन और बाकी इलेक्ट्रिकल वायरमैन हो, तो जो है आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। 60% मार्क्स एग्रीगेट होना चाहिए ITI में आपका, और मेडिकल स्टैंडर्ड A2 है इसमें। तो ये है आपका जूनियर एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल का है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद फिर जूनियर एग्जीक्यूटिव जो सिग्नल एंड टेली कम्युनिकेशन का है, तो इसमें देखिए टोटल 147 वैकेंसी है, इसमें भी वही सेम है कि मैट्रिकुलेशन में 60% और उसके बाद आपका 2 साल का जो है आपका ITI होना चाहिए। फिर उसके बाद जूनियर एग्जीक्यूटिव जो आपका ऑपरेशन एंड BD है, तो इसमें 225 है, और इसमें देखिए जो क्वालिफिकेशन है तो वही सेम मैट्रिकुलेशन है और साथ में ITI है, और आप देख लेना कि कौन सा फील्ड में इसमें मांगा गया हुआ, तो वो चीज़ है आपका यहाँ पे। और इसमें देखिए एक चीज़ मेन इंपॉर्टेंट आपका ये है कि और करके आपका दिया हुआ है, जो कि आपका एक जूनियर एग्जीक्यूटिव ऑपरेशनल BD का है आपका, जो 225 है, तो ग्रेजुएट आपका है कि कोई भी डिसिप्लिन अगर आप ग्रेजुएट है तो भी आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें ऐसा कोई नहीं है, आपको कोई भी है तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं इसमें, ये भी आपका है, कोई भी इसे अप्लाई कर सकता है कोई भी ब्रांच का हो। फिर उसके बाद देखिए जूनियर एग्जीक्यूटिव जो मैकेनिकल वालों का है इसमें, तो इसमें टोटल 14 आपका है, तो इसमें भी आपका वही है मैट्रिकुलेशन और ITI होना चाहिए आपका इन सारे डिपार्टमेंट में। ट्रेड आपका एक्चुअली यहाँ पे दिया हुआ है, मेडिकल स्टैंडर्ड B1 का रिक्वायरमेंट है इसके लिए। और इसके बाद देखिए आपका जितने भी वैकेंसी थे तो यहाँ पे हमने पूरा देख लिया है, और बाकी देखिए यहाँ पे और कुछ इंफॉर्मेशन आपके दिए हुए हैं, तो आप लोग इनमें से सभी देख लेना कि कौन एलिजिबल नहीं है इसको यहाँ पे, तो ये आप लोग पूरा दिया हुआ है इसमें, आप लोग अच्छे से स्टडी कर लेना देख के। और यहाँ पे देखिए दोस्तों ये जो है आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आपको पढ़ना चाहिए यहाँ पे। तो इसमें देखिए दिया हुआ है कि जो भी कैंडिडेट अपियरिंग है या जिनका रिजल्ट अभी अवेटेड है, तो जो है आप लोग अप्लाई नहीं कर सकते, बशर्ते कि क्लोजिंग डेट से पहले आपका आ जाना चाहिए। देखिए क्लोजिंग डेट इसमें जो आपका दिया हुआ है, जैसे इसमें 5 मई शायद दिया हुआ है इसमें, 23-5 तक का, तो 23-5 तक अगर आपका आ जाता है, जो भी फाइनल ईयर में रिजल्ट आपका आ जाता है, डिक्लेयर हो जाता है, तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जो कैंडिडेट अपियरिंग है, अवेटेड है रिजल्ट उनका, तो क्लोजिंग डेट से पहले अगर आपका नहीं आ पाता है तो आप लोग अप्लाई नहीं कर सकते हैं इसको। तो जिनका कंप्लीटेड है तो उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है। और इसके साथ में देखिए दूसरा पॉइंट जो आपका यहाँ पे है कि जहाँ पे भी डिप्लोमा को असेंशियल क्वालिफिकेशन रखी गई है, जो कि आपका पोस्ट पारा 2.2 में जैसे हमने आपको दिखाया था, वहाँ पे जहाँ पे आपका था कि डिप्लोमा मांगा गया था, तो इसके बदले में देखिए ये भी दिया हुआ है कि कैंडिडेट होल्डिंग डिग्री विथ मिनिमम 60% मार्क्स इन स्पेसिफाइड डिसिप्लिन आर ऑल्सो एलिजिबल टू अप्लाई। यानी कि अगर आपका हायर डिग्री भी है, जैसे कि जहाँ पे डिप्लोमा मांगा गया हुआ है, अगर आपका BE BTECH आपने किया हुआ है, तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं कि आपका 60% मार्क बशर्ते आपका होना चाहिए। तो अब आप लोग मत पूछना कि BE BTECH अप्लाई कर सकते हैं, नहीं, आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, 60% मार्क्स आपका होना चाहिए उसमें। और इसके साथ में देखिए यहाँ भी ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका दिया हुआ है कि जैसे जो कैंडिडेट जो ITI मतलब जहाँ पे दिया हुआ है ITI रिक्वायरमेंट है, तो जो कैंडिडेट ITI किए हुए रहेंगे तो वही जो है एलिजिबल होंगे मतलब अप्लाई करने के लिए। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखना, यहीं पे दिया हुआ है
कि डिप्लोमा या डिग्री जो आपका कंसिडर नहीं किया जाएगा। इन प्लेस ऑफ आईटीआई जहाँ मेंशन किया गया तो आपका आईटीआई होना ही चाहिए, लेकिन जहाँ पे डिप्लोमा था आपका रिक्वायरमेंट था तो वहाँ पे हायर डिग्री जिनके पास भी है तो वो अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि बी बीटेक है आपका। तो ये दो पॉइंट आपका यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। और इसके साथ में देखिए यहाँ पे ये भी दिया हुआ है कि जो एप्लीकेंट है तो उनके पास जितने भी एसेंशियल क्वालिफिकेशन है, तो आपका क्लोजिंग डेट जो आपका दिया हुआ है कि 23/5, हाँ 2021 आपका दिया हुआ है 23/5, तो आपका जो है इसके पहले हो जाना चाहिए, मतलब इस डेट तक भी आपका रहा रहता है तो आप लोग अप्लाई इसमें कर सकते हैं, क्योंकि इसमें जो है आपको पूरा परसेंटेज और कब अपने पास क्या हुई में भी आपसे पूछा जा सकता है। कल अप्लीकेशन आएगा तो हम आपको वहाँ पर बता देंगे पूरा जो भी चीज़ इसमें है। तो ये चीज़ है आपका पूरा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन यहाँ पे। और इसमें देखिए दूसरा आपको दिया हुआ है एज लिमिट की बात करते हैं, तो इसमें देखिए एज लिमिट आपका 1/1/2021 से काउंट किया जाएगा, जिसमें कि जूनियर मैनेजर के जितने भी पोस्ट आपके हैं इसमें, तो उसके लिए एज लिमिट आपका रखा गया है 18 से 27 साल रखा गया है, 18 से 27 ईयर। और जहाँ भी एग्जीक्यूटिव का है तो उसके लिए 18 से 30 आपका है, और जूनियर एग्जीक्यूटिव का है तो इसमें 18 से 30 आपका है यहाँ पे। और इसके साथ में एज रिलैक्सेशन का भी क्राइटेरिया रखा गया है यहाँ पे, जैसे कि जो 5 ईयर है एसटीएससी के लिए और 3 ईयर आपका ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के लिए भी। तो कोई भी स्टूडेंट हो जो प्रिपेयर कर रहा हो तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं इसमें, क्योंकि बहुत लोग जो है वो 30 के बिलो ही रहते हैं एक्चुअली, अप्रोक्सीमेटली कुछ लोग अगर होंगे भी तो वो भी कर सकते हैं जो ओबीसी कैंडिडेट होंगे, तो उनके लिए तो ये मौका अच्छा है इस बार। और फिर इसके बाद देखिए सर्टिफिकेट भी आपको आपको दिखाने होंगे, मतलब रखने होंगे आपको एज रिलैक्सेशन के लिए। तो ये सारा कुछ है आपका इसमें दिया हुआ है, जो भी चीज़ है आप लोग और भी देख लेना इसमें पूरा दिया हुआ है नोटिफिकेशन में आपका। और यहाँ पे देखिए दोस्तों इसमें जो सिलेक्शन प्रोसेस आपका है, तो देखिए सभी पोस्ट के लिए दिया हुआ है कि जैसे कि किस में कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, ये एग्जाम जो है आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट से लिए जाएंगे एक्चुअली में। और इसके बाद फिर आपका हुआ कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट भी इसमें होंगे, जैसे साइको वाला आपका रहता है वो, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, इंटरव्यू और मेडिकल टेस्ट, ये सारे स्टेज आपको इसमें जाना है। तो जिसमें देखिए कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो आपका, तो ये सारे पोस्ट के लिए है आपका, जूनियर मैनेजर का और इसका एग्जीक्यूटिव का, जूनियर एग्जीक्यूटिव का, तो सभी के लिए सीबीटी तो होंगे ही होंगे, ये तो कंपलसरी है सभी का। और जो एप्टीट्यूड टेस्ट आपका जो है तो वो देखिए केवल एग्जीक्यूटिव जो कि आपका ऑपरेशन BND का था आपका था, जिसमें कि ये अलाउ किए थे शायद ग्रेजुएशन जिसमें मांगा गया था, तो ये इसमें ही केवल आपका है यहाँ पे दिया हुआ है जो एप्टीट्यूड टेस्ट आपके होंगे। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सभी का तो होगा ही, और इंटरव्यू देखिए यहाँ पे केवल जूनियर मैनेजर का ही आपका होगा इंटरव्यू, और मेडिकल टेस्ट सभी का होगा, जैसे कि सभी में मेंशन किया गया कि मेडिकल स्टैंडर्ड आपका क्या होना चाहिए, तो आपका जो है ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के बेसिस पे एग्जाम होगा। और यहाँ पे देखिए जो आपका दिया हुआ है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो आपके रहेंगे, तो ये जो है आपका ऑनलाइन एग्जामिनेशन आपका होगा ऑनलाइन बोर्ड में, जिसमें कि आपके 2 to 3 सेशंस रहेंगे आपके, जिसमें कि सिंगल या मल्टीपल डेज में भी आपका हो सकता है, 2 आवर्स का ड्यूरेशन इसमें देखिए दिया हुआ है। और यहाँ पे आपका जैसे क्वेश्चन पेपर जो आपके रहेंगे यहाँ पे ऑब्जेक्टिव टाइप के आपके रहेंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन 120 क्वेश्चन टोटल आपके रहेंगे। अब जैसे इंडिकेटिव सिलेबस आपको रहेंगे सब पोस्ट में एनएक्सएसएस 3 में आपका दिया हुआ है, और स्टैंडर्ड जो क्वेश्चन आपका रहेगा ऑनलाइन एग्जामिनेशन का, तो ये जो है एजुकेशन स्टैंडर्ड जो आपके मेंशन किएगा तो उसी के बेसिस पे ही रहेगा, और हिंदी इंग्लिश दोनों में आपका पेपर रहेगा यहाँ पर आपका। और निगेटिव मार्किंग भी इसमें आपका दिया हुआ है, अब देखिए निगेटिव मार्किंग जो आपका 1/4 यानी कि 0.25 आपका मार्क्स काटे जाएंगे, और क्वालिफाइंग मार्क्स भी आपका दिया हुआ है कि 40% आपका होना चाहिए UR के लिए, 30% ST/ST OBC और EWS कैंडिडेट के लिए। तो ये सब कुछ आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरा दिया हुआ है। अब इसके बाद देखिए डिटेल्स जो आपका दिया हुआ है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो आपका यहाँ पे, तो इसमें देखिए ये भी दिया हुआ है जो एप्टीट्यूड टेस्ट आपका होगा, तो उसमें मिनिमम टी स्कोर आपको 42 मार्क्स स्कोर करनी है। टी स्कोर क्या होता है, तो ये देखिए एक निकाला जाता है जब आप लोग एप्टीट्यूड टेस्ट देते हैं वहाँ पे, तो उसमें जो है स्कोर आपका रहता है कि टी स्कोर आपको मिलेगा, तो इतना से आपका कम नहीं होना चाहिए, 42 एटलीस्ट आपका होना चाहिए हर एक सेक्शन में। तो ये जो है हम आपको तैयारी इसका करा देंगे हम आपको, जब भी इसका एग्जामिनेशन आपका होगा उससे पहले हम आपको करा देंगे। और इंटरव्यू के लिए देखिए यहाँ पे मिनिमम 3 टाइम्स कैंडिडेट को बुलाया जाएगा यहाँ पर आपका। और एग्जामिनेशन सिटी की बात करते हैं, तो देखिए जितने भी मेजर सिटी आपके हैं जैसे कि आपका पटना, अहमदाबाद हो गया, गुवाहाटी, बनारसी, भुवनेश्वर, चेन्नई, दिल्ली, NCR, जयपुर, लखनऊ, मुंबई, कोलकाता, मतलब जितने भी मेजर सिटी आपके हैं, तो यहाँ पे आपका दिया हुआ है, यहीं पे आपका लिया जो है आप लोग एग्जाम दे सकते हैं जाके। और उसके बाद देखिए नीचे आपका दिया हुआ है कि जैसे कि आपका एग्जामिनेशन फी की हम बात करते हैं, तो इसमें देखिए जूनियर मैनेजर, UR, OBC और NCL जो EWS कैंडिडेट है, तो इन सभी के लिए 1,000 रुपये रखी गई है। और इसके अलावा देखिए ये है जूनियर मैनेजर का, और बाकी देखिए जो एग्जीक्यूटिव का पोस्ट है इसमें UR, OBC और बाकी और जो कैंडिडेट है इसमें सभी के लिए 900 रुपये रखा गया हुआ है, और जूनियर एग्जीक्यूटिव जो आपका है तो इसमें 700 रुपये रखे गए हैं। अब यहाँ पे देखिए ये जो एग्जामिनेशन फी आपका है, तो ये केवल जनरल कैंडिडेट UR के लिए, OBC नॉन क्रिमिलेयर के और EWS के लिए ही केवल फी है।
और बाकी देखिए साथ में बैंक चार्ज जीएसटी भी अप्लीकेबल आपका रहेगा। और बाकी देखिए कोई भी एग्जामिनेशन फी पे नहीं करना है, एसटीएससी और पीडब्ल्यूडी या एक सर्विसमैन कैंडिडेट है उनके लिए, तो ये चीज़ आप लोग देख लेना। केवल जो यूआर ओबीसी और जो कैंडिडेट है सिर्फ उन्हीं को ये फी पे करनी है, एसटीएससी के लिए नहीं करना है। तो ये आपको पूरा दिया हुआ है यहाँ पर आपका। और भी देखिए कोई अगर आपको डाउट रहता है, यहाँ पे जो भी इन्फॉर्मेशन था हमने आपको पूरा बता दिया है, और आपको कोई डाउट रहता है तो आप लोग कमेंट करना। इसका सिलेबस और एग्जाम पैटर्न कैसा आपका रहेगा तो ये हम आपको अगले वीडियो में आपको हम बता देंगे। तो ये आपके लिए एक अच्छी वैकेंसी आपकी आई हुई है, तो आप लोग इसमें पूरा लग जाइए, हम भी क्लास आपको इसका प्रोवाइड करेंगे।